यम आकाशवाणी संप्रति वार्ता शुरू अंताम प्रवाशक हैं दिव्यानंद झा प्रथमम् मुख्य वार्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दृश्य श्रव्य संवाद तंत्रेण भारतम अध्येशिया शिखर सम्मेलनस्य प्रथमोपवेशने उपावेशने सहभागिताम् करोति उत्तर प्रदेश विधानसभा चतुर्थ चरणाया अधिसूचना उद्घोषिता प्रथम चरणात् नाम पावर्तन सेम दिम देशे अधुनावधि चतशी लक्षाधिष्टर कोटि मितानि सूच्यौषा जनभ्य प्रदत्ता ईषम पीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पंजीकरण अतिम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी तविवासरेत मन की बात कार्यक्रम संविभाजयिष्यति। संविभाजय देशना नाटो समूहा यूक्रिय पृथकणा रूस देश याच्यां निरस्तीकृता ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिसंखलाया महिलार्गीए प्रथम उपांत्य चक्रीए द्वंदे ऑस्ट्रेलिया बार्टी अमेरिकाया मेडिसन की देन सहस प्रदिष्यते अपरता ह। द्वितीय उपांत्य चक्रीय द्वंद्वे इगास्वयोते अमेरिकाया डेनियल कॉलिन्सम समूखी करिष्यती। कोरोना महामारी मुक्तिया देशा एकता भावने आयुधते। भवंता अपि यथायोग्यम सूच्योषधम स्वीकृत्या अस्मा भी सह। सुरक्षाया उपायत्रयस्य। सङ्कल्पम् स्वीकुर्वन्तु मुखावरकं धारयन्तु सामाजिक दूरताम् पालयन्तु पाणिपादम् च यथासमयं प्रक्षालयन्तु औषधम् अपि अवधानता अपि अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सायं दृश्य श्रव्य संवाद भारत मध्येशिया शिखर सम्मेलनस्य प्रथमोपवेशने सहभागितां करिष्यति अस्मिन् सम्मेलने कजाकिस्तानस्य किरिगिज गणराज्यस्य ताजिकिस्तानस्य तुर्कमेनिस्तानस्य उज्बेकिस्तानस्य च राष्ट्रपतय सहभागितां कुर्वन्ति श्रीमोदी सप्तवर्षाणि पूर्व सर्वेषां मध्येशिया देशानाम् ऐतिहासिक यात्रां कृतवान् एतदनन्तरम् अनेकधा द्विपक्षीय बहुपक्षीयेष् च मञ्चेष् उच्चस्तरीया विचारणा जाता आसन् उत्तरप्रदेश विधानसभा निर्वाचनानां चतुर्थ चरणस्य अधिसूचनया सममेव अद्य नामांकनस्य प्रक्रिया अपि प्रारब्धा प्रदेशे सप्तस् चरणेष् फरवरीमासस्य दशम दिनांकत मार्चमासस्य सप्तम दिनांकं यावत् मतदानानि भविष्यन्ति चतुर्थ चरणस्य निर्वाचनेष् नव जनपदानां षोडश सुरक्षितासनै समं एकोनषष्टि निर्वाचन क्षेत्रेष् फरवरी मासस्य त्रयोविंशे दिनाक मतदानानि भविष्यन्ति एत पीरीभीत लखीमपुर खीरी सीतापुर लखनऊ हरदोई उन्नाव रायबरेली, फतेहपुर बांदा जनपद सम्मिलता सीता निर्वाचना चतुर्थचरणाया फरवरी मसल तृतीय दिनाक नामकन कत् शक्यता निरीक्षणस्य कार्यं कार्य चत भविष्यति सप्तमं दिनांकं यावत् प्रत्याशिन नाम्न परावर्तनं कर्त् शक्ष्यन्त मतगणना मार्चमासस्य दशमदिनांक भविष्यत अत्रान्तर्राज्यप्रथमचरणाय अद्य सायं यावत् नामानि परावर्तयित् शक्यन्ते निरीक्षणावधौ अध्ना यावत् आहत्य अष्टपंचाशदृत्तर षट्शतं नामांकनानि सम्यक् प्राप्तानि अस्ट अनुसूचित अन्सूचित जात सुरक्षित सम अष्ट आसने आगामि दशमे दिनाक मतदाना भविष्यन्ति एतानि निर्वाचन क्षेत्र एक जनपद शामली मेरठ हापुड़ मुजफ्फरनगर बागपत गाजियाबाद बुलंदशहर अलीगढ़ आगरा गौतमबुद्धनगर, नगर च सन्ति प्रदेशे द्वितीय चरण मतदानं फरवरी मसल चतें दिनाके नवजनपद जनपदानां, जनपदानां विधानसभा भविष्यति कष्यता नवासनानि अनुसूचित अन्सूचित सुरक्षितानि सन्ति सी एतषनपेश सहारनपुर बिजनौर अमरोहा जेपी नगर मुरादाबाद, बरेली रामपुल संभल भीमनगर बदयू शाहजहां प्रादय सन्ति अनेन सममेव अन्ययो द्वयो राज्ययो गोवा उत्तराखण्डयो अपि अस्मिन् एव चरणे निर्वाचनानि भविष्यन्ति गोवाया चत्वारिंशत् तथा च उत्तराखण्डस्य सप्तत्यासनेभ्य एकस्मिन्नेव चरणे मतदानानि भविष्यन्ति राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधिकरण अभियान अंतर्गतम अधुनावधि चतुराशीति लक्षাধিক त्रिशष्टोत्तर शतकोटीमितानि सूच्यौषधानि जनिभ्यः प्रदत्तानि स्वास्थ्यमंत्रालयन उक्तम यत् गतासु चतुर्विंशति होरासु प्रायः द्वाविंशति लक्षं सूच्यौषधानि जनिभ्यः प्रदत्तानि तथाच अस्मिन् नवधो षडशीति लक्षोत्तर द्विलक्षं जनाः संक्रमिताः संजाताः देशे आहत्या द्वाविंशति लक्षं सक्रिय प्रकरणानि सन्ति स्वस्थतामिति ही त्रि त्रि दशमलवोत्तर त्रिनवति प्रतिशन्मिता अस्ति गते होरात्रे प्राय त्रिलक्षं जना स्वस्थीभूता संस्कृतवार्ता इदानीम् आकाशवाणीत प्रसार्यन्ते एष कार्यक्रम आकाशवाण्या अन्तर्जाल पटले डब्ल्यू 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 डॉट न्यूज इत्यत्र अपि न्यूज ऑन ए आई आर चर द्रभाषीय तंत्रअप उपलब्ध भविष्यप चर्चा कार्यक्रम पंचम संस्करण भाग ग्रहीतृभ्य विद्याथिभ्य पंजीकरण अद अंतिम दिन अस्त विशिष्ट कार्यक्रम परिकल्पना प्रधानमंत्रि नरेन्द्र मोदी अस्त अस्थस्थ अभिभावकाः शिक्षकाः च शिक्षका समं वार्तालापं कर्तुं शक्नुवन्ति ते अस्मिन् कार्यक्रमे जीवनस्य उत्सवत्वेन परिपालनाय परीक्षाभिश्च उत्पन्न मानसिक प्रभावम् अपाकर्त् चर्चा कुर्वन्ति शिक्षामन्त्रालयद्वारा उक्तमस्ति यत् अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं गतवर्षमिव दृश्य श्रव्यमाध्यम करिष्यता नवमीत द्वादश कक्ष्याणां विद्यार्थिनां शिक्षकाणां अभिभावकानां च चयनं प्रातिभासीय प्रतियोगितायाः माध्यमेना करिष्यते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणीतः रविवासरे प्रातः साढ़े 11 वादने मनकी बात इति अस्मिन् कार्यक्रमे देशविदेशस्थ जनैः हिस्साकं स्वविचारान् संविभाजयिष्यति मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् पञ्चाशीतितमं संस्करणं भविष्यति ट्वीट संदेशद्वारा प्रधानमंत्री कार्यालयेना सूचितम् यत् महात्मा गांधीनाः तस्या स्मरण पूर्वकं कार्यकम्स्य आरम्भा भविष्यति प्रधानमंत्रिना अस्य कार्यक्रमस्य कृते जनानां सम्बर्षाः आमन्त्रिताः जनाः प्रेरककथाः निजविचारान् च नमो ऐप इत्यस्मिन् चलदूरभाषीयतन्त्रान्शी माय जीओवी ओपन फोरम इत्यत्रैव प्रेषयितुं अरहन्ति एतद अतिरिक्तं जनाः दूरभाषद्वारा अपि हिन्दी भाषया वा निज सन्देशान् प्रेषयित् शक्नुवन्ति एतदर्थ निःशुल्क द्रभाष संख्या एवम् अस्ति एकम् अष्ट शून्यं शून्यम् एकम् एकम् सप्त अष्ट शून्यं शून्यम् इति द्रभाषीय व्यवस्था श्व पर्यन्तम् उद्घाटिता भविष्यति अमेरिका देश नाटो समूहात् यूक्रेनस्य पृथक्करणाय रूसदेशस्य देशस्य याच्या निरस्तीकृता यतः स्मत् पूर्वम् रूसदेशेना अस्य प्रतिवेशी देशे यूक्रेने आक्रमणस्य आह्वानं प्रदत्तमासीत् युक्रेन संकटस्य समाधानाय रूसस्य याचयाम् अमेरिकायाः विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लिंकनः इमान् औपचारिका प्रतिक्रियाम् कृतवान् श्री ब्लिंकनः उक्तवान यत् तेना युक्रेन संकटं समाधातुं रूसस्य पुरस्तात् कूटनीतेः मार्गं स्वीकृतुं परामर्शः प्रदत्तः आसीत् रूस स देशकर्तव्य आसी अमरीकीय विदेश मंत्रिण प्रत्युतरेस मंत्री उक्तवान्द ब्लिकन प्रतिक्रिया अध्ययन क्यों ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धा श्रृंखलाया महिलार्गीए प्रथम उपान्त्य चक्रीए द्वंद ऑस्ट्रेलिया अमरीका मैडिसन कीजन सह यति ये उपांते चक्रिय ये द्वन्द्वे इगा स्वयोटेकः अमेरिकायाः डेनियल कोलिन्सम सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः